जोगिंद्रनगर परिषद में सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के बारे में आज नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। पार्षदों का कहना है कि जोगिंद्रनगर के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने कई बार जल शक्ति विभाग को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगी। अभी चैम्बरों से लीकेज होना जारी है। और रणाखड में आज लगभग 20 से 25 उठाऊ जल परियोजनाएं जो है वर्तमान में काम कर रही हैं, जिनका उठाऊ जल परियोजनाओं का जो पानी है वो रणारूपा क्षेत्र, माता चतुर्भुजा बसाई धार क्षेत्र, पिपरू क्षेत्र और कस्य भराड़ू की तरफ और नीचे लड बढ़ोल क्षेत्र तक जो है अपलिफ्ट स्कीमों के माध्यम से वो पानी उठ रहा है। आज विभाग जो है सोया हुआ है। कई मर्तबा वार्ड नंबर 2 के प्रबुद्ध लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जल शक्ति विभाग के एक्शन से लेकर एसडीओ से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा कर आज उनके जूते तक घिस गए, लेकिन वहां हो रही चैम्बरों की लीकेज जो आज लोगों के घरों में अंदर तक जा रही है, जहां लोगों को सुबह अपनी नित नियम से निवृत्त होकर कामों में जाना होता है, वहां उन्हें हर रोज ये काम हो गया है कि वो सीवरेज की जो लीकेज, वो गंदगी जो उनके घरों में घुसती है, उसको आधा आधा दिन सफाई करने में ही उनका वक्त जो है गुजर रहा है। आज ऐसी अव्यवस्था का आलम है। आईपीएच विभाग ने ये जो सीवरेज की स्कीम है इसके लिए नगर परिषद ने आज दिन तक लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड जो है आईपीएच विभाग को जारी किया, ताकि जो नगर परिषद क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है सीवरेज की सुविधा मिल सके। लेकिन सुविधा मिलने के बजाय आज जो है इस जल शक्ति विभाग की नाकामी और इनकी भ्रष्टाचार के कारण मैं कहता हूँ कि इन्होंने सीवरेज व्यवस्था को आम लोगों को सुविधा की बजाय जी का जंजाल बनाकर रख दिया है। आज ऐसे ऐसे इंजीनियर जल शक्ति विभाग में पीछे जिन्होंने सीवरेज व्यवस्था का काम कराया, मैं तो उनकी इंजीनियरिंग डिग्री पर मुझे क्या बोलते हैं प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहता हूं कि ऊपर की तरफ से शहर की तरफ से मोटी पाइप आ रही है, बड़ी पाइप आ रही है, चैम्बर में जा रही है और उस चैम्बर का जो आउटलेट है उसमें आगे छोटी पतली जो क्या बोलते हैं MM की जो पाइप है वो लगा दी गई है।